हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। नया दिन, नया व्लॉग, नई शुरुआत और बहुत सारा माइंड मेकअप के बाद आज फाइनली मैंने सफाई करने की ठान ली है दिवाली की। तो मैं अभी करने जा रही हूँ दिवाली की सफाई, जिसमें बहुत कुछ है। जैसे कि सबसे पहले तो आते हैं फ़ैन, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा वरीड हूँ। लेकिन हाँ, कोई छुट्टी उट्टी मिली नहीं है और ये संडे भी कुछ सफाई ऐसी हम नहीं कर पाए उतनी जितनी करनी चाहिए थी। उतना नहीं समय मिला क्योंकि शाम को वहाँ जाना था। तो ठीक है, अभी करते हैं क्योंकि इस संडे से दिवाली शुरू हो जाएगी, तो आज कल में सफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आज ही कर लेते हैं। आज है वेंसडे, चलो सफाई शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बाल बांध लूँगी, फुल स्लीव्स के कपड़े पहन लूँगी, ग्लव्स पहन लूँगी क्योंकि मुझे धूल से एलर्जी है। इसलिए हम पहले अपना पूरा हेड टू टो मैं पहले खुद को ढक लेती हूँ और फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो मैं हो गई रेडी सफाई करने के लिए। मैंने सिर पे बांध लिया है, हाथ में ग्लव्स पहन लिए और सॉक्स भी पहन लिए। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, अगर आपको एलर्जी है तो ट्राई कीजिए कि आपका कोई भी हैंड्स या पाम्स या लेग्स, चेहरा धूल मिट्टी के पास नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको एलर्जी नहीं भी है फिर भी आपने ये सब करना चाहिए, क्योंकि दिवाली वाली जो सफाई होती है उसमें हम कोने कोने साफ़ करने की कोशिश करते हैं और कोनों कोनों में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी हुई रहती है। तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है कि इतना क्या हाइपर ये किया है कि सफाई करने के लिए इतनी क्या तामझाम करना, नहीं, ये ज़रूरी है। कोविड के बाद से तो हमें इन सब का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। तो चलो चलते हैं, लेट्स सी मैं कितना कर पाती हूँ। और आई डोंट नो कि मैं शूट कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि हाथ बंद हो जाएंगे ऑब्वियसली, तो फ़ोन नहीं ले पाऊँगी, बट आई ट्राई कि थोड़ा थोड़ा शूट कर ही लूँ। ठीक है, चलो चलते हैं, विश मी लक। ज़्यादा जाले हो जाते हैं और यहाँ तो पता नहीं 10 दिन के अंदर ही इतने जाले आ जाते हैं कि मैं क्या बताऊँ। अभी वहाँ वाला तो सेक्शन मैंने कर दिया है, यहाँ वाला बच्चा। अच्छा, मुझे ना इसका पता ही नहीं था कि ये खुलता भी है, मुझे ये आज पता चला है कि ये खुल भी जाता है ऊपर पूरा। जी, मेरे विंडोज, डोर्स, स्विचेस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कॉर्नर्स, जाले वाले, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेजर चीज़ें साफ़ सफाई हो गई है, झाड़ू भी मार लिया है। अभी एक चीज़ जो ज़्यादा बची है वो है जो मेरे बेड के इसमें ड्रॉर्स है वो साफ़ करना है, तो मैं अभी वो करूँगी। और यहाँ वाला जो बेडरूम वाला पंखा है वो मेरे से अकेले से नहीं होगा, क्योंकि बेड के ऊपर कुछ रख के चढ़ना बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो ये वाला पंखा मैं अकेले नहीं कर सकती, तो ये वाला पंखा होगा बाद में, प्रोबेबली आज शाम को ही मैं करवा लूँगी। क्योंकि मैंने अभी इसके ऊपर वो सब बिछाया नहीं है कुछ, एक बार हो जाएगा फिर एक साथ करूँगी, बाकी तो पोछ पाछ सब हो गया है। अभी मैं ये वाला ड्रॉअर क्लीन करती हूँ। इसमें एक्चुअली सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, रीडिंग वाली किताबें, रीडिंग की होती है किताबें, बेड टाइम वाली और डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें रखे मेरे ही जहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं। देखते हैं इसमें से कितना क्या क्या हम खाली कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं। इतनी सफाई मैंने आज की है, मुझे इसका कंपनसेशन कुछ ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। तो आज हमारे ऑफिस में क्लीन योर वर्क स्टेशन ड्राइव है, जिसमें हम दिवाली से पहले अपने वर्क स्टेशन को साफ करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ मैंने क्या सफाई की है। यूजुअली मेरा वर्क स्टेशन इतना गंदा नहीं रहता है, है ना, वो मेरी ट्रॉफीज हैं, वो सारे अचीवमेंट्स हैं, ये इसमें कॉइन्स हैं, तो मैं ऐसा बिखरा बिखरा के नहीं रखता हूँ। ये डायरी है, मेरे पास डायरी बहुत है, एक ये है, एक ये है, आई जस्ट लव डायरीज, ये भरी हुई है, ये खाली है, ये सेमी भरी हुई और सेमी खाली है, ये है और ये है, इन दो चीज़ों में मतलब ये मुझे क्लीन करना था। स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ अलग पेपर्स हैं, मेंशंस हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये मेरा ड्रॉअर है जिसको मुझे साफ़ करना है, और ये साफ़ होने के बाद इतना ही साफ़ रहेगा और कुछ नहीं रहेगा बस। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ मेरी ड्रॉअर में क्या क्या है।
सबसे पहला ये मुझे बब्बर शेर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था। ये है वो बब्बर शेर। तो क्यों मिला था ये पूरा लिखा हुआ है, ये मेरी जवानी की फोटो है, सॉरी। तो ये पूरा उसमें लिखा हुआ है, जो भी है जैसा भी है, पूरा पढ़ने में समय लग जाएगा, तो इसको मैं संभाल के रखूँगा। बाकी कुछ ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको ऐसे ही रखा जाएगा। ये टिश्यू पेपर है, मैंने एक बार इन्हें संभाल के रखा था, तब से संभाल के रखे हुए हैं, इस्तेमाल ही नहीं हो रहे। ये है विजिटिंग कार्ड्स, ये मेरे विजिटिंग कार्ड्स हैं इसमें, लेकिन ये चेंज होकर आया शायद। तो ये अलग रखते हैं, क्या है और ये क्यों है पता नहीं है, इसको अलग रखते हैं। ये बाकी विजिटिंग कार्ड्स हैं, कहाँ गए ये? हसन अली ऑपरेशन मैनेजर, जहाँ जिससे मिलो वो कोई ना कोई दे जाता है, लखनऊ का है ये। मेरी शादी के टाइम पर हम लोग इंक्वायरी के लिए गए थे, ये भी वही है। ये पता नहीं क्या है, बंडल स्टिकर समथिंग कुछ तो भी है ये। अच्छा, ये पर्स के साथ आते हैं, पर्स में लगे रहते हैं ना वो है ये। ये हटाया जाएगा। और क्या है, मास्क, देखा हम हर जगह मास्क रखते हैं। आई कार्ड है, इसको भी हटवा दिया जाएगा। ये मैं मेडल जीता था कैरम बोर्ड कॉम्पिटिशन में, हमारे यहाँ ही हुआ था, हाँ है ना, हैप्पी आवर्स कैरम टूर्नामेंट, रेडियो सिटी ये सब करवाता रहता है, तो हम लोग जीते थे। ये पता नहीं क्या है, आई कार्ड जैसे का ही है कुछ, बट पता नहीं एग्जैक्टली क्या है। विजिटिंग कार्ड, ये इत्र रखा है, उमान भाई ने दिया था मेरे को, इसको आज लगा के देखते हैं। और क्या है, ये एक बुक है, मुझे किताबें और डायरी बहुत पसंद है, तो मेरे पास हर जगह मिल जाएंगी। ये बुक है ऑटोबायोग्राफी, मैंने पढ़ी नहीं है, ऑल्दो मुझे गिफ्ट मिली थी, अभी तक मैंने इसको पढ़ा नहीं है, होपफुली जल्द ही मैं पढ़ूंगा इसको, लेकिन हाँ ऑब्वियसली अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, अभी मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ। तो बाकी दूर दूर देख रहे होंगे आप, विजिटिंग कार्ड भरे हुए हैं, पर्चियाँ भरी हुई हैं, ठीक है। ये देखो रिफिल्स रखे हुए हैं, इसीलिए कहते हैं साफ करते रहना चाहिए। तो एक्चुअली ये रील बना रही है अपनी करिश्मा, तो मुझे याद आया कि मैं अपना व्लॉग क्यों नहीं बनाऊं। अभी करिश्मा ने वो कछुआ गिराया है, अब बहुत जल्दी ये बॉटल भी नीचे जाने वाली है। नहीं नहीं नहीं, करंट भी लगेगा सर, क्या अभी ऐसे होगा? हाँ करेंगे, हाँ थोड़ा और पास है करिश्मा, थोड़ा और धक्का देंगे, जूम इन से जूम आउट, इधर भी है। अच्छा, हमारे यहाँ ऑफिस में एक्चुअली लाइटिंग लग रही है और ये सारी चीज़ें हो रही है, चाइना का माल। केविंटर्स की बॉटल में लगा हुआ मनी प्लांट देखें, देखिए बाजू में रावण है। ओह हो, मेरी आवाज़ तो चली जाएगी ना, तुम्हारी रील से मेरी आवाज़ चली जाएगी ना। हाँ, मैं तो सॉन्ग लगाती हूँ, करती रहो और वीडियो दूर लेती रहो। मैं भी आपको व्लॉग में करके दिखाऊंगा, हाँ तुम भी बोलो। सर ये कह रहा हूँ, हाँ। कि इसमें क्या उनको भेज दूँ, अपने में प्रोड्यूसर डाल दूँ, इंटर्न डाल दूँ? नहीं होता ये, आपको ये बताएंगे सर। नहीं हुआ तुमसे? नहीं, वो सिनेमैटिक में ज़ूम इन ज़ूम आउट नहीं होता, सिनेमैटिक में मत करो। तो तुमने अभी सिनेमैटिक बोला ना, हाँ। तो ज़ूम इन करके ज़ूम आउट करना, हाँ। और पास लेती रहो, नहीं नहीं अब ज़ूम आउट करो और दूर होती जाओ। तुम्हारा? अरे अरे रुको,
अच्छा ओ वाला समझी? हाँ 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 समझी समझी समझी, समझी। दिमाग की बत्ती जल बस गई। अब तुम्हें मजा आएगा बनाने में। और बोले ओ भी जब डाल दूं क्या बात है खेल आ गया क्या? अच्छा अब ये तुम अपनी बॉटल के साथ करके देख सकती हो। यार पूछ अच्छी नहीं लगती ऐसे देखने। नहीं तुम अपनी इसकी बॉटल के साथ कर सकती हो, तुमने शॉट बनाया ना, ये देखो वो लाइट के साथ और अच्छा लगेगा। ये था हाँ वो इतना कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि मूव क्या कर रहा है। हाँ हाँ मैंने जलनबे को बोला ए 1 2 3 एक जगह पे हल्का सा बम्प आया बस। ये उसको ना स्मूथली करने का भी कुछ होगा तो ये देखिए आपने देखिए। तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 1 2 3 नहीं पास में ले जा रहा है। हाँ 1 2 3 यार यहाँ पे एक बम्प आ जाता है तो हम लोग एक बार इधर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो मैंने ये कर लिया है जो मैंने ये बताया था कि करिश्मा फिर से ट्राई कर रही है लेकिन मेरा हो गया सही। I'm trying my best। तुम पहले खुशखबरी सुनना देखना चाहते हो या तो सुनना या देखना? सुनना भी और देखना भी दोनों। या पहले खाना खाना चाहते हो? इट्स अप टू यू। पहले खुशखबरी। चूहा पकड़ा गया क्या? ये तो तुम्हारे लिए सरप्राइज हो गया। देखा के देख क्या कहाँ है कहाँ होगा इधर ही है क्या? ये देखिए ये ऊपर बैठा हुआ है। थोड़ी देर पहले ये नीचे भी आया था वो खाने के लिए और फिर से ऊपर चला गया तो अब इसको बाहर ओ सॉरी लगा क्या बच गए। तुम्हें कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा लगा कि मैंने गेस कर लिया। अच्छा लगा लेकिन मेरे वजह से वो पकड़ा गया है। कैसे? क्योंकि मैंने वहाँ सफाई की तो भागा तो वो भागा तो उसकी तो दिवाली हो गई। देखो उसको ये नहीं किया ना रैट किलो वगैरह नहीं डालना पड़ा ना। अभी वो जिंदा है वो ऊपर नीचे खेल रहा है वो उसको नीचे खेल रहा है। अरे तो वो थोड़ी देर पहले जब मैंने और मम्मी ने देखा तब वो ऐसे ही ऊपर था लेकिन ऐसे लटका हुआ था फिर वो नीचे वो ऐसे खा रहा था अभी वो ऐसे लटका थोड़ी देर बाद पता चले उसको ज्यादा देर खेलने दिया तो बोले बाहर निकलने तो यहाँ आके खेलते बोले हो गया पार्क चलते हैं।